स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो पेड़ में ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से वंचित हो जाता है। तो ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो राजस्थान के प्रमुख खेल व खिलाड़ी, क्योंकि पीटीआई व सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड की जो पेपर होने वाला है इसमें जो राजस्थान के जो प्रमुख खेल है और खिलाड़ी, इसमें से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान राज्य। पहले हम बात करते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिषद की बात करते हैं। जो इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, किसकी बात करते हैं? जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वो है कृष्णा पूनिया। कौन? कृष्णा पूनिया जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। जो राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद है, जो इसका जो एक्ट है वह कौन सा, जो इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो 1958 के एक्ट के द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो स्थापना हुई थी। जो इसका संचालन है, संचालन कौन करता है? तो जो संचालन है वो खेल अकादमी करती है। कौन? जो खेल अकादमी इसका संचालन करती है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है कृष्णा पूनिया, और इसकी स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1958 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका जो संचालन है वो कौन करता है, तो संचालन करता है खेल अकादमी। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है महाराणा प्रताप पुरस्कार। जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये राज्य के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किसे? राज्य में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दूसरी बात करते हैं जो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है, जो ये इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये सबसे पहले किसे दिया गया था, गोपाल सैनी को दिया गया था। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो राज्य के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जो इसकी जो राशि है वो 5,00,000 रुपये है। कितनी? 5,00,000 रुपये है। जो इसकी शुरुआत है वो 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले किसे दिया गया था, गोपाल सैनी को दिया गया था, और इसकी जो राशि है वो है 5,00,000 रुपये। अब गुरु विशिष्ट पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है उनकी बात करते हैं। तो ये तो है महाराणा प्रताप पुरस्कार जो राज्य के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और दूसरा जो अवार्ड है वो है गुरु विशिष्ट अवार्ड जो कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
दूसरा है गुरु, गुरु विशिष्ट, विशिष्ट पुरस्कार, विशिष्ट पुरस्कार। बात करते हैं जो गुरु विशिष्ट पुरस्कार है, ये कोच को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और ये है इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ये किसे दिया गया था, तो सबसे पहले ये दिया गया था पोखरमल को। किसे दिया गया था, पोखरमल को दिया गया था सबसे पहले। और शुरुआत 1985 में हुई थी। जो इसकी जो इनामी राशि है वो है 5 लाख रुपए। कितनी है, 5 लाख रुपए। और जो अगला जो अवार्ड है वो है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। अगर पूछ सकते हैं ये किसे दिया जाता है, तो ये कोच को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये भी पूछ सकते हैं जो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले किसे दिया गया था, यह भी पूछ सकते हैं, तो पोखरमल जी को दिया गया था सबसे पहले। और इसमें इनामी राशि है वो कितनी है, तो 5 लाख रुपए है जो इसमें इनामी राशि है। अब हम बात करते हैं जो खेल अकादमियां हैं, जो राजस्थान राज्य में जो प्रमुख खेल अकादमी है उनकी बात करते हैं। प्रमुख खेल अकादमियों की बात करते हैं, तो पहली है बालिका वॉलीबॉल अकादमी कहाँ है, तो ये है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। दूसरी है बालक वॉलीबॉल अकादमी ये कहाँ है, तो ये है झुंझुनू में। कहाँ है, ये है झुंझुनू में। तीसरी है बालक एथलेटिक्स अकादमी ये कहाँ है, तो ये है श्री गंगानगर में। तथा बालिका एथलेटिक्स अकादमी ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। अगली कौन सी है, तो अगली है बालक फुटबॉल अकादमी ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। कहाँ है, ये है जोधपुर में। कहाँ है, ये है जोधपुर में। और है बालिका हैंडबॉल अकादमी ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। तो बालिका वॉलीबॉल अकादमी तो ये तो है जयपुर में, और बालक वॉलीबॉल अकादमी कहाँ है, तो ये है झुंझुनू में, और बालक एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है, तो ये है श्री गंगानगर में, और बालिका एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है, तो ये है जयपुर में, और बालक फुटबॉल अकादमी कहाँ है, तो ये है जोधपुर में, और बालिका हैंडबॉल अकादमी ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। तो अगला रहेगा जो कोई राजस्थान का खिलाड़ी है वो कहीं एशियाई गेम या कॉमनवेल्थ गेम में कहीं गोल्ड मेडल या रजत पदक या कांस्य पदक जीत के लाता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे क्या दिया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर कोई राजस्थान का जो खिलाड़ी है वो कहीं एशियाई गेम या कॉमनवेल्थ गेम में जाता है, तो इससे राजस्थान सरकार द्वारा इसे जो गोल्ड मेडल लाता है या सिल्वर मेडल लाता है या कांस्य पदक लेकर आता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे क्या दिया जाता है। अगर वो गोल्ड मेडल लेके आता है एशिया गेम या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लेके आता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे किस 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। कितने,
1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। अगर वो रजत पदक या सिल्वर मेडल लेके आता है तो इसे क्या दिया जाता है, 60 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 60 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर वो कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो इसे क्या दिया जाता है, तो इसे 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वो गोल्ड मेडल लेके आता है तो इसे 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर वो रजत पदक लेके आता है तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे 60 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर वो कांस्य पदक लेके आता है तो इसे 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जो राजस्थान के प्रमुख जो खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में गए हैं या टोक्यो पैरा ओलंपिक में गए हैं या कॉमनवेल्थ गेम में गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन गए हैं, उनके बारे में उसके नाम नोट करते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक में कौन गए हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक जो राजस्थान की तरफ से कौन कौन गया। पहला है अपूर्वी चंदेला। कहाँ की है? तो अपूर्वी जो चंदेला है ये है जयपुर की। कहाँ की है? ये है जयपुर की, जो टोक्यो ओलंपिक में गई थी। और दूसरा है वो है भावना जाट। कौन है? भावना जाट जो कहाँ की है, जो है राजसमंद। आप इसका गांव का नाम नोट करना, जिसका नाम है काबरा गांव। कौन सा गांव? काबरा गांव। तीसरा कौन है? तो तीसरा है अर्जुन लाल जाट जो कहाँ के है, ये है जयपुर के। और इसका जो खेल है वो है नौकायान। कौन सा? नौकायान खेल है। चौथा कौन है? चौथा है दिव्यांश जाट। कौन है? दिव्यांश जाट है। कहाँ का है? ये है जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में जो राजस्थान का कौन कौन सा जो खिलाड़ी है वो भाग लिया था, एक तो है अपूर्वी चंदेला जो कहाँ की है, जयपुर की। दूसरा है भावना जाट, राजसमंद की है, लेकिन ये याद रखना काबरा गांव की है। कौन से गांव की? काबरा गांव की। अर्जुन लाल जाट जो है जयपुर के। दिव्यांश जाट कहाँ के है? तो ये है जयपुर के। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन कौन गया था? तो एक तो है देवेंद्र झांझड़िया। कहाँ के है? ये है चूरू। कहाँ के है? चूरू। ये है चूरू के। कहाँ के है? चूरू को। तो देवेंद्र जो झांझड़िया है उसे भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। कहाँ? देवेंद्र झांझड़िया चूरू के हैं। और इनका जो खेल है वो कौन सा है? भारोत्तोलन खेल है। कौन सी कैटेगरी है? F46 कैटेगरी है। और दूसरे कौन है? अवनी लखेरा। कौन सी? अवनी लेखरा। कहाँ की है? तो ये है जयपुर की, गोल्ड मेडल लेके आई थी। और तीसरा है कृष्णा नागर। और चौथा कौन है? चौथा है सुंदर गुजर जो कहाँ की है? ये है करौली के। ठीक है, तो ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक। तीसरी हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं। तो कॉमनवेल्थ में कौन कौन गया था? तो ये गया था भावना जाट और एक अर्जुन लाल शेखावत। तो ये था राजस्थान के प्रमुख खेल व खिलाड़ी। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।